राम राम जी सारे ने, मैं तारा साथी मोहित पुनिया पे तम सारे का जॉब स्टार्ट यूट्यूब चैनल पर तड़का तड़का ठंडा ठंडा मौसम गा मैं एक बार तारा फिर तक स्वागत करूँ तो भाई आरपीएफ कॉन्स्टेबल और एसआई के भाई बम्पर पदों के ऊपर है भाई भर्ती का नोटिफिकेशन आज सुबह सुबह बिल्कुल ठंडे ठंडे मौसम में भाई बारिश के साथ साथ है आके गिर गया भाई। ठीक है, दसवीं पास अप्रोक्सीमेटली 5000 पदों के ऊपर भाई नर और मादाओं के लिए भाई भर्ती निकल चुकी है। बहुत सारे बच्चे ना है नोटिफिकेशन मिल भी गया हुआ, जिन्ना नहीं मिला वो वीडियो के अंदर आप लोगों को कंप्लीट डिटेल बताऊंगा कैसे अप्लाई करना है। ठीक है, कैसे आप लोगों को तैयारी करनी, फॉर्म कब से भरे जाएंगे, एग्जाम डेट कब है आपकी। बहुत सारे बच्चों को एग्जाम डेट पर डाउट था ना भाई, एग्जाम कब होगा वो भी उस नोटिफिकेशन के अंदर दे रखा है। सिलेबस क्या रहेगा, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, उम्र कितनी मांगी गई है, सैलरी कितनी है, तैयारी कैसे करनी, सारे के सारे फैक्टर आपको इस वीडियो के अंदर बताए जाएंगे। और जो भी साथी आरपीएफ की तैयारी करना चाहता है अपने चैनल के ऊपर डेली रात को 8:30 बजे जिक्के की लाइव क्लास लगती है, ज्वाइन कर सकता है। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा नहीं, आप एक क्लास चला के देख भी सकते हो, प्लेलिस्ट बना रखी कंप्लीट आपको, अगर मतलब डेमो के लिए आप देख सकते हो। अगर आपको मजा ना आए ना भाई उस वीडियो के नीचे जो गाड़ियां मन में वो लिख देना। तो स्टार्ट करते हैं भाई, देखो क्या कुछ मामला है। तो देखो भाई अप्लाई डेट कब से भाई आपकी, अभी अभी बिल्कुल अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी है, यकीन नहीं होता। ये देखो ये अपना टेलीग्राम चैनल है भाई, मैंने इधर अपना डाल भी रखा है जॉब्स टारगेट नाम से, मतलब कि 1,42,484 ऐसे सर्च कर लेना, @capital जे कैपिटल टी छोटे अक्षर में RGT जे टारगेट नाम से सर्च करोगे तब मिलेगा आपको ये। ठीक है, इफ मेरी फोटो लगी मिली है, देखो मैंने आपको 10/19 पे डाल दिया था कि आरपीएफ कॉन्स्टेबल एसआई का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो गया है, एग्जाम डेट वगैरह सब कुछ कुछ देर में वीडियो। ये देखो ये आपका डाल भी रखे नोटिफिकेशन, एसआई का डाल रखे और अभी कॉन्स्टेबल का भी डल जाएगा। ठीक है, तो इस टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, यहां पर सब कुछ मिलता है। अब देखो अप्लाई डेट कब आपकी, 15 अप्रैल 2024 से भाई आपके फॉर्म भरने हैं स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, इस कंप्लीट इस नोटिफिकेशन का मैं पूरा दिखाऊंगा तो आपको विचलित हो जाओगे आप। ठीक है, इसके अंदर आपको जो जो चीजें इंपॉर्टेंट है वो लिख के लेके आओ। लास्ट डेट कब है भाई, 14 मई 2024 है आपकी फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। ठीक है, करेक्शन डेट भाई फिर 15 से लेकर 24 तक मैक्सिमम, ये समझो आप करीबन 10 दिन का समय आपको और दिया जाएगा फॉर्म के अंदर। अगर आपने कुछ भी गलती कर दी, लाइक फोटो गलत अपलोड कर दिया, कुछ भी गलती कर दी नाम के अंदर, फादर नेम के अंदर, ठीक है, कई जने लिंक के अंदर भी गलती कर देते, नर की जगह मादा भर देते, मादा की जगह नर भर देते, तो वो गलतियां भी आप ठीक कर सकते हो भाई। एज आपकी कॉन्स्टेबल के लिए भाई आपकी उम्र है 18 से 28 साल भाई, और उम्र आपकी 1 जुलाई 2024 के हिसाब से भाई कैलकुलेट होगी, पहले ही बताने लग रहे हैं। तो 18 से 28 साल के नर और मादा, ठीक है, वो कॉन्स्टेबल के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और कॉन्स्टेबल की क्वालिफिकेशन है भैया 10th पास, ठीक है, दसवीं पास, 18 से 28 साल के नर और मादा, और करीबन 4,500 के करीब इसकी वैकेंसी है कॉन्स्टेबल की। तो जो भी साथी भाई दिल्ली पुलिस कॉन्स्टेबल के अंदर रह गए थे, किसी और एग्जाम के अंदर रह गए थे, तो वो इसके अंदर अप्लाई कर सकता है। ठीक है, जिक्के की सीरीज चला रखी है, जिक्के फॉर ऑल DSSSB SSC और RPF एग्जाम 2024 के लिए। क्वालिफिकेशन कितनी कॉन्स्टेबल के लिए, 10वीं पास, अब SI के लिए, सब इंस्पेक्टर के लिए भाई 2 सितारे आओ कंधे पर फीत पे। ठीक है, 20 से 28 साल के भाई बच्चे फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, वैसे 25 साल हो तीन की उम्र, 20 से 25, 18 से 25, ये तीन साल की उम्र के अंदर छूट दी गई है ड्यू टू कोविड की वजह से। इसकी भाई 1/7/2024 वो इसी के हिसाब से डेट कैलकुलेट होगी आपकी एज। ठीक है, और ग्रेजुएट भाई स्नातक, जिसने भी BA BSc BCOM कुछ भी कर रखे ग्रेजुएट के रूप में, वो इसके अंदर फॉर्म अप्लाई कर सकता है। सैलरी की बात करें, एसआई के लिए भाई 35,400 बेसिक पे है, 35,400 नहीं मिलेगी आपको, 35,400 तो बेसिक पे है। ठीक है, करीबन इसका 50% वगैरह वगैरह, मतलब और भी DA वगैरह और महंगाई भत्ते और पता नहीं कितने क्या कुछ भत्ते वगैरह मिलके, ये अप्रोक्सीमेटली भाई 55,000 से 60,000 के बीच में है ये आपकी सैलरी चली जाती है भाई। ठीक है, कॉन्स्टेबल की 2,700 भाई, ये अप्रोक्सीमेटली आपकी 40,000 के आसपास सैलरी चल जाएगी जो आपको इन एंड मिलेगी खाते के अंदर। ठीक है भाई, ये आपका बेसिक पे का है। उसके बाद आते हैं आपकी फीस कितनी है, जनरल OBC और EWS की 500 रुपये फीस। डर गया मैं तो, अरे ऐसा कुछ नहीं, डरने की बात नहीं, पहले ध्यान से सुन लो, 500 रुपये फीस है, लेकिन 400 रुपये भाई आपको रिफंड कर दिए जाएंगे आपका जो रिटर्न एग्जामिनेशन है उसके बाद। ठीक है, तो आपको एक सजेशन दिया जाता है कि जब भी आप ये फीस कटवाओगे फॉर्म भरने की, तो अगर आप खुद के बैंक अकाउंट से फीस कटवाओगे तो आपको फायदा हो, 400 रुपये आपके खाते में आ जाएंगे। अगर आप साइबर कैफे वाले के पास जाओगे, ठीक है, वो अगर आपका फॉर्म भरेगा तो वो उसके खाते के अंदर पैसे वापस आएंगे, आप वाले में नहीं आएंगे, पहले बताने लगे रहो। ठीक है, तो ये जो फीस कटवाओ 500 रुपये की जनरल OBC और EWS वाले, तो भाई अपने खाते से कटवाना, 400
रुपए आपके एग्जाम के बाद वापस मिले। एससी एसटी और मादा कैंडिडेट के लिए भाई आपके 250 रुपए फीस है, ठीक है, और 250 के 250 ही रिफंड कर दी जाएगी। नरों के साथ थोड़ा अन्याय है, 100 रुपए काटे जाने लग रहे हैं उनके, लेकिन मादाओं के साथ कोई अन्याय नहीं है भाई, ठीक है, 250 के 250 है भाई उनके, वापस आपके कर दिए जाएंगे, ये आपका प्रावधान है भाई, ठीक है। उसके बाद आपके अब एग्जाम डेट के ऊपर संशय है भाई, आपका एग्जाम कब होगा, मैक्सिमम बच्चे तो इसीलिए वीडियो देख रहे हैं भाई एग्जाम कब होगा, तो भाई एग्जाम आपका सितंबर अक्टूबर 2024 के अंदर कंडक्ट करवाया जाएगा भाई, सितंबर या अक्टूबर 2024 के अंदर आपका एग्जाम होगा, ठीक है। जैसे आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का आया था पिछले साल नवंबर दिसंबर में, तो उसी टाइप से सितंबर अक्टूबर के अंदर आपका आरपीएफ कांस्टेबल एसआई का एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा, ठीक है भाई। अब देखो आगे क्या है, पैटर्न क्या रहेगा भाई इसका एग्जाम के लिए भाई, पैटर्न देखो आपका मैथ आएगा भाई इसके अंदर, मैथ आएगा, मैथ के 35 क्वेश्चन आएंगे, 35 नंबर के, हर एक क्वेश्चन आपका एक नंबर का आएगा, ठीक है। रीजनिंग आएगी, रीजनिंग के 35 क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन एक नंबर का, जीके आएगी, जीके के 50 क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन एक नंबर का, ये पोर्शन सबसे इंपॉर्टेंट, टोटल 120 क्वेश्चन आएंगे, 120 नंबर का एग्जाम आपका एग्जाम होगा, 90 मिनट का आपको समय दिया जाएगा, यानी कि करीबन डेढ़ घंटे का, 1.5 आवर का, और 1/3 के इसके अंदर भाई नेगेटिव मार्किंग होगी, तो भाई ये सारा का सारा इसका एग्जाम पैटर्न रहेगा। अब बात हम लोग ऐसे भी करें, इसकी तैयारी आप लोग कर कैसे सकते हो, कैसे इसके अंदर आप अच्छा स्कोर कर सकते हो, अभी फिजिकल स्टैंडर्ड भी बताऊंगा, फिजिकल के लिए क्या कुछ मामले हैं वो चीजें बताऊंगा, ना टेंशन लो। तो देखो आपको सबसे पहले तो जो मेन फोकस हो जीके पे रखना भाई, जीके के ऊपर देखो 50 के अंदर से आप 50/50 तो आने मुश्किल है भाई बहुत, लेकिन ये देखो भाई करीबन 40 के आसपास का स्कोर आप इजीली कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, आपको किसी की बुक लेने की जरूरत नहीं है, ना कहीं माथा मारने की जरूरत, ठीक है। सिंपल सा है, अपने चैनल के ऊपर रोज रात को भाई 8:30 बजे है जीके की आपकी लाइव क्लास होती है फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आपको यकीन नहीं आए तो अपना जो चैनल है ना, चैनल के ऊपर जैसे आप सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करने के बाद एक प्लेलिस्ट का ऑप्शन छपा हुआ दिखाई देगा, उस प्लेलिस्ट के ऊपर जाओगे, जाते आपको दिखेगा जीके फॉर ऑल एसएससी DSSB RPF एग्जाम 2024। उसके अंदर करीबन 27 क्लासेस हो चुकी हैं आपकी, जिसके अंदर मैं कंप्लीट स्टैटिक जीके करवा चुका हूं, कंप्लीट आपकी मतलब कि एंशियंट हिस्ट्री करवा चुका हूं, आज से मिडवेल हिस्ट्री स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो और ट्रिक के साथ याद करवाने की मेरी गारंटी है, आप उसकी पहली क्लास चला के देख लेना स्टैटिक जीके की, भाई 1,00,000+ व्यूज है उस पर, आप चेकआउट भी मार लेना, आप लोग खुद देख लेना। अगर आपको क्लास के अंदर पर्सन याद ना हो, मजा ना आए, फुल एंटरटेनमेंट की भी गारंटी, तो भाई उस वीडियो के नीचे जो मन में आए वो गाली लिख देना, आपको आज तक ये नृत्य वाले पर्सन स्टैटिक जीके कह रही है कभी भी याद ना तो भी याद हो जाएंगे भाई, गारंटी मेरी है, गारंटी देने लग रहे हैं यहां पर भाई, ठीक है। इसी वीडियो के नीचे गाली लिख देना अगर भाई याद ना हो तो, ठीक है। वो पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है, अगर आप उसको देखना स्टार्ट करो, डेली लाइव क्लास लगती है, आप ऐसे कर सकते हो, डेली रात को लाइव जुड़ सकते हो, साथ के साथ आप पिछले वाले पर्सन भी मतलब कि पिछली वाली क्लासेज भी देख सकते हो साथ के साथ भाई। उसके अलावा भाई रीजनिंग के लिए कहीं माथा माने, रीजनिंग के लिए भाई सिर्फ प्रैक्टिस चलती है, ठीक है। प्रैक्टिस करो, आप कहीं से भी प्रैक्टिस करो, ऑनलाइन अगर आपको देखना तो रीजनिंग के भाई सिर्फ जैसे आपके डाइस वाले सवाल हैं, पासे वाले सवाल हो गए, या कैलेंडर वाले सवाल हो गए, या ये एक दो घड़ी वाले सवाल, ये आप यूट्यूब पर ही मिल जाए ये कंटेंट, ठीक है। उसके बाद रीजनिंग के चलती सिर्फ प्रैक्टिस सेट आप कहीं से भी लगा सकते हो, ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हो, ऑफलाइन भी लगा सकते हो, कहीं से लगाओ आपकी मर्जी है। उसके बाद आता आपका मैथ सबसे इंपॉर्टेंट है। रीजनिंग के अंदर आप 35/35 का स्कोर कर सकते हो, जीके के अंदर नहीं कर सकते 50/50 का, मैथ के अंदर भी आप 35/35 का स्कोर कर सकते हो। मैथ के अंदर कैसे भाई, 35 क्वेश्चन 35 नंबर की, इसको कैसे करोगे आप लोग, मैथ के लिए आप कोई भी यूट्यूब चैनल है किसी का भी आप देख लेना, जितने भी एसएससी के टीचर हैं किसी के भी, ठीक है, एसएससी वाले भी बढ़िया करवाते हैं, आप उनका मैथ का चैनल पकड़ो, ठीक है, वहां पर उनकी भी प्लेलिस्ट मिलेगी आपको, ठीक है। और प्लेलिस्ट ना मिले तो भी टॉपिक वाइज कर लो, जैसे सबसे पहले आपने उठाया प्रॉफिट एंड लॉस, उसके बाद उठाया टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, फिर उठाया सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट, तो ऐसे एक टॉपिक उठाया प्रॉफिट एंड लॉस, उसकी वीडियो देखो, एक वीडियो देखी सर ने उसके अंदर जितने भी सवाल करवाए 7, 8, 10, 15 उन सभी को वीडियो पॉज कर करके उन सवालों को साथ के साथ नोट करो और समझो, फिर अगला मतलब कि 3-4 दिन के अंदर आपका प्रॉफिट लॉस कंप्लीट हो जाएगा। कंप्लीट होने के बाद आपको क्या करना है भाई, उसकी रिवीजन मारनी है और फिर कहीं से उसकी प्रैक्टिस करनी, किसी की भी बुक परचेज करो या ऑनलाइन लगाओ, प्रैक्टिस सेट लगाओ, प्रॉफिट एंड लॉस के सेक्शनल मॉक टेस्ट लगाओ, तो उससे क्या है वो चैप्टर वाइज तो प्रॉफिट एंड लॉस आपका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। प्रीवियस ईयर के अंदर आए हुए देखो प्रॉफिट लॉस कहाँ कहाँ पर आया है, तो उससे आपका प्रॉफिट लॉस स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। उसी टाइप से फिर अगला चैप्टर भाई मैं सच बताने लग रहा हूं, अभी से तैयारी शुरू करोगे तब जाके होगा, करीबन ये समझो आपका जुलाई अगस्त तक तो आपका मैथ कंप्लीट होगा हर एक चैप्टर, फिर उसकी रिवीजन भी मारनी, सितंबर अक्टूबर में तो एग्जाम है, अड़के में नहीं लेना इन चीजों को, ठीक है। अब तैयारी का सिस्टम आ गया समझ में, रिवीजन मारनी है मल्टीपल टाइम और प्रैक्टिस करनी है भाई। अब देखो आगे क्या है आपका फिजिकल स्टैंडर्ड भाई, इसका देखो क्या रहेगा आपका, हाइट आपकी नर कैंडिडेट की 165 सेंटीमीटर हाइट है बोथ सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल दोनों के लिए, मादा कैंडिडेट के लिए भाई 157 सेंटीमीटर की हाइट है। चेस्ट भाई 80 से 85 सेंटीमीटर नॉर्मल चेस्ट नर कैंडिडेट की,
और भाई 5 सेंटीमीटर की फुलावट आनी चाहिए छाती के अंदर भाई, ठीक है। मादा के लिए भाई चेस्ट का कोई प्रावधान नहीं। रेस भाई कॉन्स्टेबल के लिए 1600 मीटर की दौड़ है, 5 मिनट 4 सेकंड के अंदर मारने। भाई कॉन्स्टेबल जो 10वीं पास है बेचारा, इनकी रेल बना दी, क्यों? क्योंकि इनके पास डिग्री नहीं है, इसलिए इनकी फोटो भी अखबार में छोटी आएगी। और एसआई को भाई इनर कैंडिडेट को 1600 मीटर की दौड़ 6 मिनट 30 सेकंड में मारने, भाई ये आसान काम नहीं है, पहले ही बताने लग रहा हूं। अभी से साथ के साथ फिजिकल की तैयारी करोगे ना भाई, तब जाके ये फटेगी, वरना आपकी फट जाएगी, ये नहीं फटेगी आपसे रेस। आपकी क्या फटेगी? पैंट फट जाएगी तैयारी करते करते, लेकिन आपसे रेस नहीं फटेगी। मादा कैंडिडेट के लिए भाई 800 मीटर की दौड़ 3 मिनट 40 सेकंड के अंदर, ठीक है। कॉन्स्टेबल के लिए और एसआई के लिए भाई 800 मीटर की दौड़ 4 मिनट के अंदर भाई। अब लॉन्ग जंप क्या? लॉन्ग जंप भाई कॉन्स्टेबल के लिए कितनी है? नर कैंडिडेट में 14 फीट की आशी बाक्यों और पूर्ण 14 फुट दूर भाई। अभी दिल्ली पुलिस कॉन्स्टेबल के अंदर भी इतनी थी, बच्चों के सिस्टम मिल जाता है भाई। और एसआई के लिए भाई 12 फीट की 2 फीट की छूट दी गई है, क्यों? 2 सितारे भाई, सितारे गिर नहीं जाएंगे इतना लंबा कूद देंगे तो। मादा के लिए भाई 9 फीट की लॉन्ग जंप और 9 मतलब कॉन्स्टेबल और एसआई दोनों के लिए 9 फीट की लॉन्ग जंप है भाई। हाई जंप भाई कॉन्स्टेबल के लिए 4 फीट की, मादा कैंडिडेट के लिए भाई 3 फीट की, ये नर के लिए, ये मादा के लिए। और एसआई में भाई 3 फीट 9 इंच है, मतलब कि कुछ छूट दी गई है एसआई के अंदर। और इसके अंदर भाई 3 फीट है मादा के लिए एसआई की, आपकी हाई जंप यानी कि ऊंची कूद नो उपरन पैर करके, ठीक है। तो ये था भाई आपका फिजिकल क्राइटेरिया, ये आपका देखो मैंने आपको कंप्लीट बताया दिया भाई सारा का सारा सिस्टम, सैलरी क्या रहेगी, एग्जाम पैटर्न सले पूरा पूरा नोटिफिकेशन आपको अपना टेलीग्राम चैनल पे मिल जाए, जिसके अंदर आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी भाई कैसे क्या कुछ सिलेबस क्या है वगैरह वगैरह, सब सारा सिस्टम पता लग जाए। फॉर्म डेट बता दिया, एग्जाम डेट बता दिया, कोरेक्शन बता दी है, सैलरी बता दी है, ठीक है, तैयारी कैसे करनी हो सारे फैक्टर बता दिए हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट भी अगर आप तैयारी करना चाहो तो आप कर सकते हो भाई, कोई पैसा नहीं लगना, ठीक है। अगर आपके अंदर डेडिकेशन है, धक्के से पैसे बर्बाद करने हैं, बैच ले लिया फैच ले लिया, तो आप कर सकते हो, वो आपकी चॉइस है भाई, ठीक है। खुल ले वो है भाई, कोई कड़े फुको रुपये तारा दोरा है तो फुको भाई, ठीक है। तो यही इन्फॉर्मेशन आप सभी को देनी थी, सभी को राम राम, धन्यवाद। लाना रहे लोग खैजो, जो तैयारी करना चाहते हो अपने चांस जुड़ सकता है, रात को 8:30 बजे लाना रहे लोग खैजो फटाफट भाई।